कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। ओके, और डियर चिल्ड्रन मैग्नेटिक फील्ड आप कह रहे थे, कूलम्स भी देख लो, कूलम का क्या कह रहे हो? फोर्स, कूलम्स फोर्स। और डियर करें स्टार्ट फिर वन बाई वन, आओ बच्चों स्टार्ट करें, कंसेंट्रेट ऑन द टॉपिक्स नाउ ऑल ऑफ यू। बेटा पहले सबसे एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल में कितना जनरेट होगा जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो करंट कैरिंग कंडक्टर को, यही कह रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कहां पर? हैं जी, अच्छा सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, एट दैट इंस्टेंट यू वांट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये कह रहे हो ना? तो वहां पे बेटे आपका जो है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ये बेटे मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन, दिस इज वेल नोन टू अस बेटा। और जब हम बात करके देखें अदरवाइज अपने एक्सेलरेशन की इसमें बेटा, तो ये बेटे आपका फोर्स जितना भी आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट किया है उसको मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल से आप डिवाइड कर दीजिए, इट विल बी द केस ऑफ द एक्सेलरेशन। अब एक बात नोटिस करने वाली है कि आपके चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में आप इसका जो मास है 9.1 × 10⁻³¹ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको आपका जो है ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन कई बार बेटे हम थोड़ा सा एक स्टेप और भी आगे चले जाते हैं, आपका जो फोर्स है ये चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर भी हुआ करता है, तो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज डियर चिल्ड्रन बिकॉज इट इज इक्वल टू माइनस ई, ध्यान दीजिएगा मैं फोर्स को माइनस ई इंटू ई भी तो लिख सकता हूं, इस फार्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना। तो ये आपके पास एक इक्वेशन तो ये बन गया, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गया, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दो हो सकता है कि आप जो रिजल्ट ढूंढ रहे हैं एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, ए विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, कैपिटल ई यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता है कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्ट कर रहा है। सो कैपिटल ई दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यूज पुट करते चले जाइए, आपको आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है इन द एंड आपको बेटा मिल जाएगा। क्लियर टू ऑल बेटा? राइट, सो वी विल, राघव क्लियर है, चलें आगे बेटा। इसके बाद आपके पास कंसेप्ट है टॉर्क का, आपने टॉर्क पूछा था कि टॉर्क किसको कहते हैं और स्पेशली इन द केस ऑफ द मोटर टॉर्क कैसे एक्ट करता है। आइए बेटे फ्यू मिनट्स इस डिस्कशन पे भी डिवोट करें, व्हाट डू वी मीन बाय टॉर्क और हम टॉर्क को कैसे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के कंटेक्स्ट में मैं आपको समझा देता हूं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आपका डिवाइस जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बच्चों मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज ए मैग्नेटिक टॉर्क आल्सो एक्ट्स ऑन द सेम कॉइल। बेटे आइए थोड़ा देखें, ये इमेजिन कर लीजिएगा आपके पास किसी बार मैग्नेट का या किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये आपके पास बेटे किसी मैग्नेट का साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड बेटे इधर आ जाओ, कोई बात नहीं बाद में शिफ्ट हो जाना, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्ट करेगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बेटा, और
अब आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बेटे आर्मेचर कॉइल, आपकी जो मोटर का कॉइल है ये प्लेस कर देते हैं। ये आपका कॉइल बन गया, ये कॉइल आपको इस तरीके से दिया गया है। ये कॉइल को आपने बेटा इधर आ जाओ और इधर आ जाओ, ये आपके पास बेटे जो है ये स्प्लिट रिंग पड़ा है, इधर भी स्प्लिट रिंग है और इनके बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में आपने एक शाफ्ट लगा रखा है। शाफ्ट के साथ आप पुली वगैरह लगा सकते हो जिसके थ्रू आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को किसी मशीन को रन करने के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रशेस आपने इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बना रखा है इन दिस मैनर। ये चीज बेटे आपके पास जो है ऐसे बन गई, की पुट कर सकते हो, आपका सर्किट चल पड़ेगा। जब आपका सर्किट चल पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगा, ये कार्बन ब्रशेस हैं, ये करंट आपका ऐसे फ्लो करता 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 पूरे सर्किट को इस तरीके से कंप्लीट कर देगा। कार्बन का बेटे सुनो मेरी बात, कार्बन ब्रशेस की जगह पर अगर आप कोई और सब्सटेंस यूज करना चाहोगे तो आपको बेटे इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट यहाँ पर गुड बना के रखना है, और दूसरा अगर आप कोई और मटेरियल यूज करोगे तो फ्रिक्शन बहुत होगी। यहाँ पे कार्बन ब्रशेस एक चौक के पीस की तरह होते हैं, ये जब आपका कॉइल है तो देना, ये किसी का उतर जाता है तो ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपका बेटे देखिए रिंग है, इसको अगर मिडल में से दो पार्ट्स कर दें तो स्प्लिट रिंग बन जाएगा। इसके साथ कार्बन ब्रश ऐसे ऐसे इसके साथ कनेक्ट में होता है। अब कार्बन ब्रश जब इसके साथ कांटेक्ट में होगा, इसलिए तो मूव करना है, ये तो ऐसे मूव करेगा उसके साथ आर्मेचर कॉइल के साथ, तो जब ये मूव करेगा तो यू कैन सी ये कार्बन ब्रश जो है इसकी वियर एंड टियर होगी। ठीक है जी, अगर कोई और मटेरियल यूज करोगे इनके बीच में फ्रिक्शन बहुत होगा, एनर्जी की वेस्टेज होगी। दूसरी बात, कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बनाता है, दैट इज वाई वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस कार्बन। राइट बेटा, सो थैंक यू बेटा, आप इसलिए कार्बन ब्रशेज यूज किया करते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये लेंथ आपके आर्मेचर कॉइल का आपने एल बोल दिया, स्मॉल एल, और आर्मेचर कॉइल का ब्रेथ जो है इसको आपने बोल दिया बी। लेंथ और ब्रेथ आपके सामने है ना, और आपका इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है। आप जानते हैं जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा, वो फोर्स को वर्कआउट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया करते हैं। आइए अप्लाई करें, लेट अस अप्लाई इट ऑन दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, ये मेरा फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में है, ये करंट लेकिन अपवर्ड है तो मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, करंट अपवर्ड हो गया। द थंब इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, इट विल मीन दैट कि मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग गया ब्लैक बोर्ड के प्लेन के, और कितना होगा ये भूमिका एफ, हाँ क्या कह रहा है ये कितना जो कह रहे थे आप, अच्छा रूल बता रहे हैं आप, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा 90 है, एफ विल बी इक्वल टू बी आई एल साइन 90 तो वन दे देगा आपको। राइट, इतना फोर्स एक्ट किया, इस ब्रांच पे आ जाइए, इस पे करंट डाउनवर्ड है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड द थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलरली पकड़े, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, इट इज आउटवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये आर्मेचर कॉइल है, ठीक है जी, इस ब्रांच पर, इस साइड पर अंदर की तरफ, इस साइड पर बाहर की तरफ फोर्स जब लगेगा ऐसे टिल्ट करेगा, ये टर्न करेगा। अब बेटे आपका जब भी आपके क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पर, दो बराबर की फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगे तब वो एक कपल या टॉर्क क्रिएट कर देती है। टॉर्क बेटे होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो बेटा टॉर्क को टाओ से डिनोट करते हैं, फोर्स आपका एफ है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल बी के बराबर, तो ये बी आ जाएगा। टाओ विल बी, फोर्स की वैल्यू कितनी है, बी आई एल, बहुत बढ़िया, बी आई एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, ये एरिया आर्मेचर कॉइल का। टॉर्क विल बी इक्वल टू बी आई ए, बच्चों कई बार हम सिंगल टर्न नहीं लेते, आपने कभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस किसी मैकेनिक शॉप पे देखे होंगे, उसमें बहुत ज्यादा वायरिंग होती है, बड़ी उसकी टर्न्स होती हैं। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टॉर्क आपके पास बन जाएगा एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए। वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको, आपको समझाने के लिए था, अब देख लो कोई बात नहीं पता चली तो जरूर पूछो। दिस इज ऑल यू हैव टू वर्क आउट द टॉर्क, आपको पता जरूर होना चाहिए टॉर्क चीज क्या है। टॉर्क है जब दो फोर्सेस बराबर की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, तो उनके बीच में जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बिकम टॉर्क। हैं जी, ये ऐसे करके देन इसके नीचे सी बना दीजिए, सी इंग्लिश अल्फाबेट का, इट इज कॉल्ड टाउ, इसको ऐसे लिखते नहीं बोलते हैं, राइट। वैसे जरूरत है नहीं, आपको कोई पूछेगा नहीं ये चीज, अब आपने कहा तो मैंने करवा दिया। सिलेबस को छोड़ो, सिलेबस में तो अब काफी चेंजेस आ गई हैं, बड़ा कम सिलेबस रह गया है आपका, है ना बेटा, तो पता नहीं चलता कौन सी चीज उन्होंने काट दी है, कौन सी रख ली है, तो लॉट ऑफ रीशफलमेंट इज देयर। हाँ जी पुत्र, चले आगे, क्यों गुड़िया, कूलम्स फोर्स, आइए देखें क्या है। कूलम्स फोर्स में हम चार्जेस एट रेस्ट, रादर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट जो हैं, उनकी बच्चों बात किया करते हैं जनरली। आइए देखें बेटा, जो कूलम्स फोर्स है, कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स, आइए जरा समझें। आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, मैं वर्ड बोल रहा हूं पॉइंट चार्जेस, जिनका साइज छोटा है, एक्सटेंडेड चार्जेस नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास एक रॉड है वो चारी पूरी उसके ऊपर चार्ज है, नहीं, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, दे शुड बी एट रेस्ट, उसके लिए कूलम्स लॉ लगेगा, बाकी जगह पर नहीं लगेगा। सो वी विल से दैट फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, जो दोनों के बीच में, अब मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव होंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो फॉर द टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, चाहे उनके बीच में अट्रैक्शन है चाहे रिपल्शन है तो है ना कुछ इंट्रैक्शन तो है ना बेटा, वो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं वो फोर्स डायरेक्टली दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, इनके बीच में जितना डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करती है ना, इनको आप कंबाइन कर दीजिए, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर, के 9
इंटू टेन रेज पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 होता है, याद रखिएगा। कौन सी चीज? ये वाली, ये था एक, एक ये था, इनको इकट्ठे कर दिया, ये आ गया, इसको हटाकर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की कीमत है, वैल्यू है 9 × 10⁻¹। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई? एक न्यूमेरिकल देता हूं इसपे बेस्ड, आपको और अच्छा लगेगा, करिए सारे बच्चे। दो बेटे ये नोट कर लिया, हाँ जी, दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड मैं लिखता हूं, डिस्टेंस लिखता हूं, आप उनके बीच में फोर्स निकाल के बताइएगा सारे बच्चे। टू पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, एक है 3 माइक्रोकूलम का और दूसरा है -5 माइक्रोकूलम का, इनके बीच में 20 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, फोर्स निकालिए इनके बीच में, ऑल ऑफ यू डियर। हाँ पुत्र, यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको, सब कुछ आपके पास, सारी वैल्यूज आपके सामने, फार्मूला आपने कर रखा है ऑलरेडी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन किसका स्क्वायर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, फटाफट वैल्यूज पुट करिए एंड टेल द आंसर व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। बहुत बढ़िया, के 9 × 10⁻¹ अभी तो कराया है आपको, 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2, याद रखना इसको, भूलना नहीं है आपने। ठीक है जी, करिए फिर, करिए बच्चों, करिए, बहुत बढ़िया। के हमेशा सेम होता है तब तक जब तक मीडियम एयर हो, अगर मीडियम बदल गया फिर ये भी बदल जाएगा, जब तक आप मीडियम एयर ले रहे हैं देयर विल बी नो चेंज इन इट। कितना आ रहा है भाई बच्चों? हाँ जी, करिए करिए, आराम से करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन करिए। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, यूनिट्स ना हमारे गलत हो जाएं फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो हो गया क्या? अच्छा, गलत हो गया। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि यूनिट्स का ध्यान रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो यूनिट्स को आप SI में कन्वर्ट कर लीजिए, सारे यूनिट्स को। चलिए मैं भी करता हूं, मुझे, मैंने वैसे लिख दिया था, आप भी देखिए, मैं भी करता हूं। ठीक है जी, देखो बच्चों, आपके पास Q1 है 3 माइक्रोकूलम, इसके कूलम बनाए आपने, वेरी नाइस, सो 3 × 10⁻⁶ कूलम हो गया, और Q2 आपके पास है -5 माइक्रोकूलम, दिस इज -5 × 10⁻⁶ कूलम आ गया जी। इनके बीच में सेपरेशन कितना है डियर चिल्ड्रन? 20 सेंटीमीटर का है, इसके मीटर बना लिए मैंने, ऐसे बन गए, राइट? अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है, इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, F विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻¹। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ, मैं साइन नहीं डाल रहा, दिस इज Q1, 3 × 10⁻⁶, 5 × 10⁻⁶, इन द डिनोमिनेटर आर इज 20 × 10⁻²। आइए देखें आगे, मैग्नीट्यूड इसका बन गया 9 × 10⁻¹, दिस इज 3 × 5 × 12 हो गया, 6 ये और 6 वो, इन द डिनोमिनेटर 20 × 20 10⁴ हो गया, चेक करिए,
है ना, ये भी जीरो हटा देता हूं मैं ये वाली, और यहां पे फिर आपका टू रह जाएगा, है ना। सो फोर्स बन गया नाइन इंटू थ्री इंटू फाइव अपॉन टू इंटू टू, ये सारे मैंने इकट्ठे कर लिए एक जगह पर, टेन की पावर एक जगह इकट्ठी कर ली, नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस टू, ये आ गया, यही आया। सो एफ विल बी इक्वल टू नाइन इंटू थ्री इंटू फाइव बाई टू इंटू टू, टेन की पावर ये माइनस वन, है ना, नाइन थ्री आर 100 डिवाइडेड बाई 4, 10 रेस पर माइनस 1, ये आ गया 33.7 इंटू 10 रेस पर माइनस 1, 3.37 न्यूटन आ गया। ये एडजस्ट कर दिया ना यहाँ पे, राइट। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए। अट्रैक्टिव इन नेचर बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, बिल्कुल ठीक बेटा, राइट। कोई पॉइंट, कोई बात और हो पूछने वाली, यू आर मोस्ट वेलकम, एनी वन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन। चले आगे, हाँ जी एक और करना है ऐसा, चलिए करिए, नो प्रॉब्लम, लिख लीजिए एक और लिख लीजिए। आपको दो नहीं करना, बताओ फिर क्या कहते हो, शुड आई प्रोसीड अहेड, न्यूमेरिकल कर लेंगे, चले आगे, चलो कर लो, कर, कोई बात नहीं बेटे, दो मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ना, समझ आना चाहिए बच्चों को, अगर समझ नहीं आया फिर कोई फायदा नहीं है। एक चार्ज आपके पास है 4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, 10 सेंटीमीटर इनके बीच में सेपरेशन है, फोर्स निकाल दीजिए। अब आप करिए, सब कुछ आपके पास, आपके सामने, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एंड सॉल्व इट ऑल ऑफ यू। वेरी नाइस, कोई बात नहीं, कर लो आराम से कर लो। कर लो फटाफट, जब आपका सबका आंसर सेम आ जाएगा तब मैं आगे चलूंगा, नहीं तो नहीं, अगर नहीं सेम आया फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। How much it is? 7.4 newton. Two? Force 7.2 newton attractive आ रहा है, चेक करो सबका आ रहा है कि नहीं, सारे बच्चे चेक, हाँ जी पुत्र करके देखोगे तभी बात बननी है, सबका इतना आता है तो ठीक है, नहीं तो I will have to solve it once again. है नाइस, हाँ जी बेटे, बाकी बच्चों का नहीं हुआ अभी, करो करो नो प्रॉब्लम। डिस्टेंस आपके पास है, मीटर में बना लो इसको, कूलम से माइक्रो कूलम से कूलम बना लो और करके देख लो जल्दी से जरा बेटा।
आ गया, ठीक है बेटा। बाकी बच्चे भी देख लो बेटे, आता है कि नहीं आता, नहीं तो फिर आगे चले। आई होप सबका आ जाएगा वैसे तो। आ गया बेटा, हो गया, गुड। चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बता दूं बेटा। व्हाट डू वी मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने वाला। चलें राघव विद दिस कंसेप्ट, आइए देखें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आप ई से डिनोट करते हो, वेक्टर क्वांटिटी है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड दैट चार्ज विद इन विच its effect can be experienced। आप इसका इफेक्ट कितने में एक्सपीरियंस कर सकते हो स्पेस के राउंड अबाउट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे होता है फोर्स डिवाइडेड बाई द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। फोर्स को आप चार्ज से डिवाइड कर दो, क्यू नॉट जो है दैट शुड बी वैनिशिंगली स्मॉल, वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो ये फिर यूनिट्स क्या बने इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स बन गए न्यूटन पर कूलम, चेक कर लीजिएगा यहां से, राइट? ठीक है, एनी अदर स्पेसिफिक पॉइंट, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी और स्पेसिफिक पॉइंट बेटा? कौन सा? बिल्कुल ठीक है, यही बनेगा। मैं कर देता हूं, अभी करता हूं बेटा। So we will have, आपने फोर्स निकाला था 1/4 pi epsilon naught, नहीं के लिखा था आपने, Q naught upon r square, ये लिखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा F upon Q naught, इट विल बी इक्वल टू K इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है जी, चेक कर लीजिए, कोई आपको दिक्कत वाली बात है तो बता दीजिए, राइट बेटे? हाँ जी, क्यू वन को आपने क्यू लिख दिया, क्यू टू को क्यू नॉट लिख दिया, तो क्यू नॉट से आपने एडजस्टमेंट करके ये फॉर्मूला अपना बना लिया, राइट? So dear children, any other point you want to discuss with us? लाइए, पकड़िए बेटा। जो numerical हमने किया था ना अभी इससे पहले, उसमें negative sign मैंने छोड़ा है जानबूझकर, मैंने magnitude लिखा है। Negative sign जब आप लगा दोगे ना, negative sign का मतलब हो जाएगा कि itself attractive force है,
अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे फिर आप साइन छोड़ सकते हैं, अदरवाइज लगाना है आपने। मैंने बोला था कि मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, साइन नहीं लिख रहा, आपने मेबी नहीं सुना हो। ठीक है, नहीं लिखिए, आप जरूर लिखिए बेटा, क्यों नहीं लिखना? बिल्कुल बिल्कुल यस, आप साइन साथ में डाल के लिखिएगा। राइट बेटे, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू डिस्कस बेटा? क्यू क्यू नॉट, जीरो नहीं, नॉट बोलते इसको, क्यू नॉट। अरे नहीं, वैसे सिंबल है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है, इसको वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, चलें आगे। इधर चलें आगे, छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, सॉल्व करिएगा। छोटा सा ही दे रहा हूं, दो मिनट वाला ही दूंगा, आप चिंता मत करिए। ये एक रेजिस्टर है, एक और रेजिस्टर है, और एक और रेजिस्टर है, ऐसे लगा दिए गए हैं। ठीक है, लगा दें? नहीं, और नहीं लगाना। ये 4 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम 4 ओम 4 ओम। आपको सर्किट में करंट निकालना है, जल्दी से निकाल दीजिए। हो जाना चाहिए था अभी तक। सीधा न्यूमेरिकल, सीधा सीधा है, 10 ओवर कैसे आ गया अभी? नहीं, आप सॉल्व करिए, मैं अभी नहीं बताऊंगा पैरेलल सीरीज। आप देखो, आप इतना काम कर चुके हो अभी तक ना। अभी किसी ने कुछ लिखा था, आई कुड नॉट सी बेटे, प्लीज दोबारा रीराइट करिएगा। सम चाइल्ड हैज रिटन समथिंग, आई हैव नॉट सीन, प्लीज। यस हरजोत सिंह, वेरी राइट, गुड, राइट राइट राइट। हां जी पुत्र जी, आप सारे बैठे हो? ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हो गए, इनका 2 ओम आ गया, वो 2 इसके साथ पैरेलल में है, रिजल्टेंट 1 ओम आ गया। आई आपका वी बाई आर, बी आपका 4/1, 4 एम्पियर। थैंक यू ऑल।